अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भैया मैं इस वक्त जा रहा हूँ सदर, क्योंकि हमारी बेगम शरीफ का मोबाइल जो है वो खराब हो गया। और हमारे साथ कौन है देखें आप, अरे गंजा गेमर है। इन्होंने गेमिंग चैनल अपना थोड़ा सा दिनों के लिए रोक दिया क्योंकि ये डाइट कर रहे थे माशाल्लाह से। भाई ये देखें आप, फुल पतले हो गए। ये हाथ में क्या हुआ यार? ये हाथ में टूट गया था, एक्सीडेंट फ्रैक्चर। क्यों, कैसे? बाइक पे जा रहा था, आगे वाले बंदे की बाइक बंद हो गई, वो फास्ट लेन में आ गया साइड पे लगाने के लिए बस। अच्छा, तो भाई अभी हम जा रहे हैं सदर, हम पहुंच गए हैं अभी इस वक्त नुमाइश चौरंगी के ऊपर, और बस पार्किंग का इशू है, देखते हैं। मोबाइल भी दिखाता हूँ आपको बेगम का क्या हुआ है, फुल झपकियाँ ले रहा है, सर्दी लग रही है उसको क्योंकि कराची में सर्दी भी आ गई है। अबे कल करीब टाइट सर्दी थी। अरे भाई कल तो हालत खराब हो गई, कल मैं जॉगिंग करने गया उससे हुई 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहा भाई कल। एक ये मसला है कि बस यहाँ आओ ना तो पार्किंग ही ढूंढते रहो कहाँ लगाए, और फिर लगा दो तो फिर डरते रहो कि उठाना ले कोई। इसीलिए ना मैं हमेशा गाड़ी पे आता ही नहीं हूँ, बाइक पे आता हूँ। मतलब भाई पार्किंग मिल गई है, वो रहा हमारी मोबाइल मार्केट और हमें यहाँ पार्किंग मिल गई। ऊपर जाएंगे, पर्ची वर्ची बनाएगा लड़का। ये छठे फ्लोर से स्टार्ट है पार्किंग, लेकिन वो कह रहे थे कि पार्किंग है फुल। ठीक है जी, तो आपको चाबी देनी पड़ेगी। हमने कहा यार हम चाबी दे देंगे भाई, लगाओ तो सही, 20 मिनट हो गए घूमते हुए। तो भाई गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, और उन्होंने अंकल ने बोला था कोई नवेद भाई, उनको चाबी दे दी गई। नवेद भाई हमारे, अस्सलाम वालेकुम नवेद भाई, ये रखे हैं आप चाबी, आते हैं हम थोड़ी देर में। ठीक है, ख्याल रखिएगा हमारा, इनका गाड़ी का मतलब। चलो भाई गंजे गेमर लेट्स गो। अगर हम यहाँ पे, हमें लिफ्ट नहीं मिली, तो लोग आए। लिफ्ट कहाँ है नवेद भाई? पूरा नीचे उतर जाए ग्राउंड फ्लोर तक। अच्छा व्यू तो देख लेते हैं यहाँ से, क्या है व्यू। ये एम्प्रेस मार्केट दिख रही है भाई, ये चर्च है, ये कोई मस्जिद है। चेक करें आप भाई रश, ये एनी टाइम जो है ना ये रश रहता है यहाँ पर, और सारी जुगाने दुनिया की यहाँ मिलेंगी आपको। तो भाई हम अंदर आ गए, सीढ़ियाँ चढ़ के जुबैर भाई की दुकान है, वहाँ जाएंगे हम और दिखाएंगे बेगम का मोबाइल शरीफ। ये मोबाइल है, और इसको पता नहीं सर्दी लग गई क्या हो गया, इसको मैं दबा रहा हूँ ना ऐसे, जुबैर भाई तो स्क्रीन आती कभी कभार वरना नहीं आती। ये हमारा एक फ़ोन था, एक गलत OnePlus 9 Pro, ये इस बंदे की वजह से बर्बाद हुआ है। तुम्हारी वजह से ये हुआ कि तुम्हारे साथ मैं खेल रहा था और मेरी चड्डे में था और मोबाइल फ़ोन मेरी जेब में रह गया। वैसे ये वाटर रेजिस्टेंट था, लेकिन 25 मिनट वाटर रेजिस्टेंट तो नहीं होता ना यार। यार ये हालत हुई है, कब से रखा हुआ इनके पास, इसकी स्क्रीन नहीं मिल रही भाई। ये देखें भाई ये हो रही है LCD चेंज, और हाँ भाई आपको पता है कि ये तकरीबन जो है ना मैंने कोई 5वीं मरतबा करवा रहा हूँ। क्यों, बच्चे तोड़ देते हैं, नेट नहीं चल रहा, यूट्यूब नहीं चल रहा, ये चल ही नहीं रहा, फेंक दिया। अरे दिस इज बैड, बैड सीन तो है, लेकिन क्या करें, करवाना पड़ेगा भाई। स्क्रीन लग रही है, हमने सोचा स्टार सिटी मॉल चले आए, बच्चों के लिए पैड मिल जाएगा, तो हमने सोचा कि यहाँ चले आए, लेट्स सी क्या सीन है। ओ खवातीन हज़रात, ये हमने टैब ले लिया है। अरे अरे हाँ भैया ये ले लिया, अब से बेगम का मोबाइल नहीं टूटेगा, और ये पता नहीं टूटे ना टूटे। अभी इस पर बुक कवर लगाना है, और प्रोटेक्टर लगा हुआ इस पर, नहीं लगा हुआ इस पर, प्रोटेक्टर लगाना है। ये ले लिया भाई हमने अली भाई से, ये हमारा बिल बना रहे हैं। ठीक है अली भाई, आपने अच्छे पैसे लगाए, ठीक है, अगर आपको प्रमोशन कराने बता दिएगा मैं भी अच्छे पैसे लगा दूंगा। सही है, चलो भैया यार इसको पैक करते हैं भैया। तो ये हो गया है फुल ओके, अभी टेप उतारेंगे इसका थोड़ी देर में। मामा भाई बच्चों के लिए टैबलेट ले लिया, बेगम का मोबाइल सही करा लिया, हमारा क्या यार, हम भी कोई शॉपिंग वॉपिंग कर लेते, कोई सर्दी आ गई है कराची के अंदर, सर्दी लग रही है, और मुझे कुछ पहन के भी नहीं है। ये तुम अपने पैसे से खरीदना, लेकिन चलो चलते हैं पहले देखते हैं कोई जैकेट वैकेट। अबे इधर बराबर में पैनोरामा सेंटर है, वो लेदर जैकेट वगैरह मिलती है, वहाँ देख लेते हैं। चलो अच्छा भैया, तो हम लोग आ गए हैं अभी पैनोरामा सेंटर में, और यहाँ पर एक शॉप है दी आइकन बाई गिलानी की, उन्हीं की मैंने जैकेट ही पहनी हुई है, और शॉप भी मुझे सामने ही दिख रही है। उन्होंने मुझे PR पैकेज भिजवाया था, अभी उनकी शॉप भी खुल गई है, उन्होंने बताया मतलब मिल गए ऐसे ही, तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, खैरियत से? माशाल्लाह भाई यहाँ तो वैरायटी मौजूद है। अरे ये तो मेरी वाली जैकेट है, थोड़ी थोड़ी मिल रही है, काऊ में देते हैं आप या शीप लेदर होता है? हमारे पास सब फ्रेश है। तो ये फ्रेश होता है, मतलब फुल अभी ज़िबा करके लाएंगे। जी जी अभी ज़िबा करके। अच्छा अच्छा, मतलब रिफर्बिश नहीं होता, ये बात ये है कहने का। सही 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 यार, ये भी अच्छी यार दिखाए मुझे, मेरे हिसाब से कोई कौन सी अच्छी लगेगी के भाई को, इन भाई के हिसाब से भी दिखाए, क्योंकि असल में अभी सीन ऐसा हो गया है कि अभी यार सर्दी हो गई है कराची में, और ये कुछ दिनों की ही मेहमान है, लेकिन हम जाते रहते हैं नॉर्दर्न एरियाज, तो वहाँ के लिए भी ज़रूरत पड़ती है जैकेट्स की, तो इसलिए जो है ना, अरे फुल फर वाली भी है यहाँ पर। तो अच्छा बैग्स भी हैं आपके पास? हाँ
बैग जबरदस्त। ओए होए होए ऐसा लग रहा है दुम्मा पहन लिया आपके भाई। कैसे लग रही है सामा भाई? फुल बर्फबारी की तैयारी हो रही है, बेहतरीन लग रही है माशाल्लाह। तुम कोई ठंडी कर दो तो बर्फबारी हो जाएगी फौरन, इसलिए मैं कर नहीं रहा। कॉमेडी कर दो इसलिए मैं कर नहीं रहा। चेक कर रहे हैं हम, ऐसा लग रहा है आपको भाई फुल गले से ना गले से बोल लो बकरे से गले मिल गया। ये कौन सी दिखा रहे हैं भाई? माशाल्लाह यार ये भी अच्छा है। ये भी आप चेक करें पहन के, सही है भाई ये पहन लिया अब। और ये मुझे उससे जो है ना बेहतर लग रही है आपके ऊपर। अरे अरे थैंक यू भाई भाई यार। अच्छा ये मतलब डबल नहीं पहना भाई, ये डबल जिपर है ऐसे ही? डबल जिपर है। कैसा लग रहा है शाह भाई, कैसा लग रहा है आप? बेहतरीन लग रहा है माशाल्लाह से, अच्छे लग रहे हैं आप, सेक्सी लग रहे हैं। ये क्या चीज़ है यार? ये तो लेडीज ही होगी। रेनबो जैकेट? रेनबो जैकेट है। ये भी लेदर है? अच्छा लेदर ही है आपके पास? तकरीबन सारा लेदर ही है। लेदर में भी है, वूल में भी है। अच्छा थोड़ा वूल में भी है बस, और ये बस सिटियां हैं वूल में। ये कपड़ा होता है या वूल कहलाता है? ये वूल कहलाता है। ठीक है। अच्छा यार एक चीज मुझे आपसे पूछनी है। मैंने ये सुना है लोगों से कि उसको चमड़े को या लेदर को जला कर देखो आप तो वो चमड़ा होता है, वो क्या क्या सीन है? ऐसा है कि वो असल में लेदर बनता है फायर वाला, लेकिन वो हर चमड़े पे नहीं वो फील आता है। हम अपने हमारा भी तो हाथ भी तो चमड़ा अपने आप को आग लगा ले तो लग जाती है। लेकिन क्या नाम है, वो हर लेदर में नहीं होता, लेकिन कुछ केमिकल्स होते हैं वो लेदर में लगते हैं तो उसके ऊपर फायर नहीं चलता। अच्छा अच्छा, मतलब वो कोई ये निशानदा ही नहीं है कि ये लेदर है जलेगा नहीं, ये वाला सीन नहीं। जलने को तो सब जलेगा। ये क्या सीन है यार? ये दिखाएं, ये निकाल के दिखाइएगा जरा। अच्छा भैया ये हम लोग इस वक्त खड़े हुए पैनोरामा सेंटर में, द आइकन भाई गिलानी के नाम से शॉप है। बहुत वैरायटी इनके पास, और सबसे अच्छी बात ये है कि फ्रेश जिनके पास लेदर होता है ये, वो आपका शीप में भी होता है और काऊ में भी होता है। अच्छा भैया ये यार बड़ी यूनिक चीज़ है, फ्लीस में आप फ्लीस कह रहे थे? फ्लीस पे पहन के जाएंगे। बाली वाली और थाईलैंड वाली वाइब्स आ रही है आपके भाई को? तो ये डन हो गई है, मैं उतार ही नहीं रहा इसको, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी जाना है मुझे एक जरा दावत में, तो मैं यही पहन कर जाऊँगा। फील अच्छी आ रही है आपकी बारी? मुझे भी तो चेक। आप भी आए हैं जी? ये भी आए हैं भाई साहब, इतनी देर से वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार हम क्या आम लेने आए हैं दुनिया में। मुझे चेक नहीं करा रहे जैकेट, मुझे यही वाली, ये वाली नहीं कोई और सी देखो ना, इतनी सही रखी हुई है यहाँ से देख लो यार। एक मिनट ना, शूज भी रखे हैं, चलो शूज पे बाद में आते हैं, पहले आप ट्राई कर लें। माशाल्लाह भाई हीरो लग रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ खत्म, वाट लगने वाली है, वाट लगने वाली है। ये अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तुम कंफर्टेबल हो? सही से इसको कैरी कर पा रहे हो? माशाल्लाह से पतला भी हो गया ना लड़का। बंद करके चेक कराओ। हाया भूसा की है एक, हार्ले डेविडसन की कमी है बस। तो हाँ भाई आपका डन हो गया, हमारा भी हो गया डन। ठीक है भाई अब आते हैं शूज़ पर। ये शूज़ का क्या सीन है? मेरा साइज है अल्लाह भला करे आपका 44-43 यही आएगा। ये भी प्योर लेदर? ये भी लेदर है? प्योर लेदर बिल्कुल। अच्छा जी यार चीज़ तो अच्छी है। ये भी लेदर ही है जी? ये टर्किश लेदर है। अच्छा स्वीट लेदर में है, स्वीट उसकी जैसे फिनिश लेदर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिनिश लेदर होता है, स्वीट होता है, तो उसके अंदर ये स्वीट है, उसका प्रोसेस होता है। अच्छा अच्छा प्रोसेस करना जी। चले भाई पहनाएं, बिस्मिल्लाह करें। इसकी इनर सोल भी ऐसी है कि मेडिकेटेड है, लेकिन उसको हम कहेंगे नहीं, लेकिन बहुत सॉफ्ट है। अच्छा मतलब सेमी मेडिकेटेड कह सकते हैं आप? कह सकते हैं। थोड़ी थोड़ी है, टर्किश है बेसिकली, टर्किश मेड है, बिल्कुल मेड इन टर्की है। आज तक हमारे कस्टमर्स को यानी पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज मिली नहीं होगी, इस वजह से इसको एक न्यू आइडिया के लिए लाए। ओके ये इसमें भी लेदर का इस्तेमाल है? बिल्कुल बिल्कुल, टॉप क्वालिटी लेदर है और बहुत सॉफ्ट है अंदर से। ये हमने डन कर दिए, वो भी अच्छा था लेकिन ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और अभी ये भाई साहब बता रहे हैं कि इनकी जो है शॉप ये अभी प्रॉपर एट्रियम के अंदर और डिफरेंट मॉल्स के अंदर थोड़े दिनों में खुलने वाली है, अगर आप लोग आना चाहते हैं। मुझे यार एक बैग भी पसंद आ गया है, हाय 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 यार ये कलर बड़ा प्यारा है। खैर तो मैं कह रहा था कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ज़रूर विजिट करिएगा। मैंने नीचे मेंशन भी कर दिया इनको, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ना मुझे सारी चीज़ें बताई हैं। तो अब घर निकलने का टाइम हो गया, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो हम सारे मिलके क्या बोलते हैं आखिर में? चलो शाबा कटो। अरे याद है अभी तक? मैं तो अल्लाह हाफिज़ कहता था।